गुड मॉर्निंग आशा धानिया गुरप्रीत मोरिया महेंद्र सिंह चौहान देशराज मीना सुरेंद्र जाट रेनू सिंह देशराज मीना रविंदर विर्क रविंदर भोरिया चीनू सिरोहा देशराज मीना जैके कुमार आशा धानिया फिर से आ गई बहुत बढ़िया परवेश धीमान राजवंती गुर्जर आमिर खान चलिए भाई जैसा थंबनेल में देख रहे हो रेशन अनुपात और समानुपात का टॉपिक हम कर रहे थे इसमें सिक्कों वाले सवाल हैं सिक्कों वाले सवाल इसको हम करेंगे चलिए सिक्कों वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं बहुत आसान भी हैं सीखने के बाद जिनको सीखना नहीं आता वहां दिक्कत है अच्छे तरीके से सवाल पहले सवाल पढ़ेंगे और फिर सवाल को सॉल्व करेंगे पढ़ें पहला सवाल एक थैले में दस रुपए और पांच रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात तीन अनुपात चार है उन सभी सिक्कों का मूल्य दो सौ रुपए हो तो दस रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए भैया आज हमने सॉफ्टवेयर नहीं खोला है चलो मैं भी सीख गया धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया दस रुपए के सिक्के तो दस रुपए लिख देंगे पांच रुपए के सिक्के तो पांच रुपए लिख देंगे पहली लाइन तो ये है बहुत सारे लोग फिर इसके ऊपर ये कहेंगे कि ये जो हमें आया नहीं है तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ICS मुरादाबाद फेसबुक के ऊपर दिख रहा विनोद कुमार दिख रहा मुझे इंडियाज नंबर वन कोचिंग सेंटर आई सी अंबाला दिख रहा फेसबुक के ऊपर <coughs> चलिए मोनिका चौधरी अलीगढ़ अलीगढ़ ने कल शराब पीने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया बीस करोड़ रुपए की शराब अकेला अलीगढ़ पी गया कल शराब खोली थी ना शराब बिना लोग तो सही काम चला लेंगे सरकार का काम नहीं चल रहा था दिक्कत यहाँ है चलो बहुत बढ़िया एक थैले में दस रुपए और पांच रुपए के सिक्के तो पहले यह लिखना पहली लाइन निपट गई जिनकी संख्या का अनुपात अनुपात चार है संख्या का अनुपात तीन अनुपात चार यह अनुपात है संख्या का दूसरी लाइन में यह लिख रखा था सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य दे रखा मूल्य सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य है दो सौ रुपये तो जो बाद में पूछेगा दस रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ कुल सिक्कों की संख्या बताओ पांच रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ उनका मूल्य बताओ तो जो भी बात पूछेगा वो हम बता देंगे पहले सवाल दोबारा से एक बार फिर से पढ़ेंगे ध्यान से समझने की बात है ध्यान से समझने की बात है आराम से पेशेंस से कोई टेंशन वाली बात नहीं सबको समझ में आएगा बहुत सबको समझ में आएगा मेरी जिम्मेदारी एक थैले में दस रुपये और पांच रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात तीन अनुपात चार है यदि उन सभी सिक्कों का मूल्य दो सौ हो तो ये सारी बात मैंने यहां लिख दी इन सवालों में गड़बड़ होती है यहां जो अनुपात रखा ना यह देखा संख्या का और जो बांटना ना वो है मूल्य तो यह गड़बड़ है यहां पर सिक्कों के सवाल में एक गड़बड़ तुम्हें हमेशा मिलेगी अगर यहां पर संख्या देगा तो यहां मूल्य का अनुपात देगा और यहां संख्या देगा तो यहां मूल्य का अनुपात अलग चीज देता है इस बात को ध्यान रखना यहां मूल्य है तो अनुपात है संख्या का और संख्या देगा तो अनुपात दे देगा मूल्य का इस बात को ध्यान रखना इसमें गड़बड़ है बांटना है मूल्य बांटने हैं रुपए और अनुपात है संख्या का देखो ये गड़बड़ है अनुपात बांटना संख्या तो बांटनी संख्या का अनुपात है सही है कोई दिक्कत नहीं मूल्य बांटना है मूल्य का अनुपात है तब भी सही है कोई दिक्कत नहीं लेकिन बांटना है मूल्य और अनुपात है संख्या का तो ये गड़बड़ होती है हर सवाल में तुम्हें ये सब बातें लिखने के बाद ये सोचना है कि जिसका अनुपात है क्या वही बांटना है या जिसका अनुपात है वो नहीं बांटना दूसरी चीज बांटनी है क्या तुम मेरी बात ये समझ गए कि अनुपात दे रखा है यहां पर संख्या का और बांटना है मूल्य इफ यस देन थम्स अप करके दिखाओ कि हां जी ये बात इसके अंदर सही है बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया उत्तर सी इसका सही उत्तर है बारह बिल्कुल सही इस सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं दस रुपए के तीन सिक्के हो तो तीस रुपए हो गए जी और पांच रुपए के चार सिक्के हो तो बीस रुपए हो गए जी ये मूल्य बन गया मूल्य या तो तीस और बीस पचास पचास से दो सौ को भाग करो चार चार से गुना करो एक सौ बीस रुपए और अस्सी रुपए टोटल मिलाकर के दो सौ हो गए एक सौ बीस रुपये और दस दस रुपए का नोट तो बारह सिक्के हैं बारह सिक्के दस दस के सिक्के और एक सौ बीस रुपए बनाने हैं तो बारह सिक्के बारह गुना दस बनाएंगे एक सौ बीस बन जाएगा सी इसका सही उत्तर है उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा हम लोगों को करना क्या है संख्या के अनुपात को मूल्य के अनुपात में बदल दिया दस दस रुपए के तीन सिक्के हो तो तीस रुपए बन गए पांच पांच रुपए के चार सिक्के हो तो पांचों को तो बीस रुपए हो गए तीस और बीस का या तो अनुपात निकाल लो यहाँ काट दो तो जीरो को या कोई दिक्कत नहीं पचास रखो पचास से भाग करो चार आ गया चार से गुणा किया चार से गुणा किया एक सौ बीस रुपए है दस दस का नोट है तो बारह सिक्कों में काम बन जाएगा समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से थम्जप करके दिखाओगे सर आ गया तुम लोग समझने भी लग गए हो आगे बढ़ाते हैं चलिए दूसरा सवाल पढ़ेंगे हम दूसरा सवाल फिर से उसी तरीके से पढ़ेंगे और जिस चीज के नोट दे रखे हैं उनको जो हम सोचेंगे यहां पर एक थैले में पांच रुपए और दो रुपए के सिक्के हैं तो यहां लिखेंगे पांच रुपए, यहां लिखेंगे दो रुपए। इनके मूल्य का अनुपात दिया यहां पर मूल्य का अनुपात दो अनुपात एक मूल्य का अनुपात है और यदि सभी सिक्कों की संख्या नब्बे हो तो यहां दे दिया संख्या अब इसने जो जो दिया वो मैंने लिख दिया पहली बात तो तुम यह समझो कि एक थैले में पांच रुपए और दो रुपए के सिक्के हैं जिनका मूल्य का अनुपात दो अनुपात एक है किसने एप्पल के फोन में कुछ दिनों में चल जाएगा अभी ऐप में जो है ना जैसे आज या कल में जो उसकी स्ट्रीमिंग सही हो जाएगी और उसकी स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो स्ट्रीमिंग में उसके बाद एप्पल का भी करेंगे ये हम करेंगे जतिन शर्मा जी ये बहुत जल्दी होने वाला है तब तक ऐसे ही काम चलाओ पांच रुपए और दो दो अनुपात एक के मूल्य के अनुपात में है इस पर मेरा कहना है कि इसके बीस और दस बना लो ना बीस रुपए और दस रुपए मूल्य का अनुपात है बीस रुपए चाहिए और है पांच पांच रुपए का सिक्का तो चार सिक्के चाहे दस रुपए चाहिए दो रुपए का सिक्का तो पांच सिक्के चाहिए तो अनुपात आ गया चार न... अनुपात ये चार अनुपात पांच ये अनुपात संख्या का अनुपात है चार अनुपात पांच के अनुपात में नब्बे को बांटेंगे तो ये आ गया चालीस और ये आ गया पचास चालीस सिक्के रुपए के तो दो सौ रुपए और पचास सिक्के तो दो दो रुपए के तो सौ रुपए तो अनुपात देख लो दो अनुपात एक आ गया तो पांच रुपए के सिक्कों का मूल्य बताओ दो सौ है।, है दूसरे का सी तो एक गलत उत्तर है वो तो आ गया निकाल दिया मैंने चालीस सिक्के हैं पांच पांच रुपए के तो दो सौ रुपए बनेंगे भाई ये लिख रखा प्रियंका पुनिया ने सी गलत लिख रखा है इतना आसान होता तो सभी सही ना कर लेते फिर इसके ऊपर मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये जो है टफ टॉपिक होता है जो ध्यान नहीं देगा वो गलत करेगा और फिर घर आके कहेगा वो सर दो सवालों से पेपर में फेल हो गया और आते हुए पांच गलत हो गए तो उस काम के लिए टेस्ट और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है टेस्ट और प्रैक्टिस की कमी थी उसके लिए हम ऐप ले आए हैं अब जितने लोगों को उसके ऊपर चाहिए पेपर दे रहे हैं मैं यहां पढ़ा रहा हूँ पेपर उस पर होगा पेपर का सोल्यूशन भी उस पर हुआ करेगा चलिए जिसको लगता है कि हम जीनियस है तो इतना करने से काम चल जाएगा तो हम उतना काम करते रहेंगे जिसको लगता है कि नहीं मुझे चेक करना और मैं एक भी चांस अपना मिस नहीं करना चाहता तो वे उसके ऊपर पहुंच जाएं और वे उनको करें 20 और 10 क्यों लिख दिया सलोनी प्रधान पहली लाइन पढ़ो यहां पर एक थैले में पांच रुपए और दो रुपए के सिक्के हैं पांच रुपए और दो रुपए इनके मूल्य का अनुपात दे रखा दो अनुपात एक मूल्य का अनुपात है दो अनुपात एक मूल्य और यहां दे रखे संख्या उनकी नब्बे पहली बात तो बेटा तुम इस बात पर यह समझ जाओ कि अनुपात है मूल्य का और बांटनी है संख्या यह गड़बड़ है सवाल में हमें इस अनुपात को संख्या में बदलना पड़ेगा अब रुपए दो लिखे हम पांच रुपए का नोट हो तो फिर तो पॉइंट पॉइंट में आ गया निपटाने के लिए मैंने दोनों को दस दस से गुणा कर दिया दोनों को दस से गुणा तो यहां मान लिया मैंने बीस रुपए है और यहां मान लिया मैंने दस रुपए है बीस रुपए हो पांच पांच रुपए का नोट हो तो चार सिक्के चाहिए दस रुपए चाहिए तो दो दो रुपए के सिक्के हो तो पांच सिक्के चाहिए तो ये अनुपात आ गया संख्या का अनुपात चार सिक्के पांच पांच रुपए के तो बीस रुपए और पांच सिक्के तो दो दो रुपए के तो दस रुपए दो अनुपात एक आ गया दो अनुपात एक को ये अनुपात में बांटने के लिए इस मूल्य के अनुपात को संख्या के अनुपात में बांटने के लिए दस से गुणा कर दिया इस पर कोई और क्वेश्चन है तो लिखो जल्दी से मैं आंसर करता हूं अब चार अनुपात पांच में नब्बे को बांटेंगे तो ये बन गया चालीस और ये बन गया पचास साल सिक्के पांच पांच रुपए के तो दो तो सौ तो रुपए हैं आंसर बन गया सी संजीव शर्मा ने तीसरे का उत्तर दे दिया साठ नब्बे एक सौ बीस वेरी गुड टेस्ट कैसे देंगे आईसीएस होमवर्क एक प्ले स्टोर पर ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करो उसके ऊपर जो है वहां पर है चलिए मैं समझता समझता हूं ये बात समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें कितना अच्छा सवाल है जब पहली बार रोटी बनाते ना पहली बार रोटी बनाते पहली बार खाना बनाते हैं एक लड़की घर से शादी करके जो है दूसरे घर में जाती है बहुत दिनों तक तो उसको वहां बहू मानते रहते हैं बेटी मानते नहीं रहते हैं ये दिक्कत रहती है वहाँ बहू का ट्रीटमेंट अलग होता है बेटी का ट्रीटमेंट अलग होता है उसके घर वाले भी समझाते हैं उसके घर वाले भी सब लोग जो ऐसे ही समझाते रहते हैं ऐप पर अलग भी पढ़ाया जाएगा इसका सॉल्यूशन जो टेस्ट होंगे उस टेस्ट टेस्ट का सॉल्यूशन उसके ऊपर चलेगा ऐप के ऊपर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी होंगी ऐप के ऊपर ऐप के जो पैसे लगेंगे तो पैसे पैसे की वैल्यू मिलेगी तुम्हें ऐसे फ्री में थोड़े ही जो है इस कोरोना टाइम पर जिस टाइम पर लोगों के पास पैसे नहीं है उस टाइम पर जो पैसों का जो है वो बात बताई जा रही है तो वैसे ही थोड़े ही है ये तुम्हें वैल्यू देगा बहुत सारी बातें हम लेकर के आएंगे पैसा लगता किसी भी क्रिएशन में अब जैसा भी आगे सीन बनेगा तो उस हिसाब से हम आप लोगों को हमारी नज़र है पूरी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी किधर जा सकती है इंडिया की इकोनॉमी किधर जा सकती है क्या कर सकते हैं जैसे तुम लोगों को मैंने सही से पहले बताया है वैसा भी करेंगे इंग्लिश में रहता है हिंदी में भी करिए हिंदी में भी है भाई साहब प्रणव अलोक टेस्ट दोनों लैंग्वेज में आएगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी चलिए और उसके बारे में टेस्ट के बारे में अभी एक दो दिन में जो है बारे में सारी बातें बताएंगे अभी मैं जो है सिक्कों के सवाल सिखाऊं, यार सिक्कों के सवाल सीखो <coughs> मैं क्या बात बता रहा था कोई बात बता रहा था मैं मजा नहीं आ रहा, है? फास्ट फास्ट की बात बता रहा था ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बात है। फास्ट। जैसे पहली बार खाना बनाते हैं एक एड आया हुआ था कल परसों एक एड था बहुत बढ़िया एड था मुझे बहुत अच्छा लगा एक लड़की जो है शादी करके जाती है वहां पर जाकर के सुबह उठती है सुबह उठती है तो पहला अपनी माँ को फोन करती मां मुझे तो मैगी के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता अब मैं वहां जाकर के किचन में जाकर के क्या बनाऊं तो उसकी मां ने बहुत ही शानदार जवाब दिया बहुत शानदार अगर ऐसा हर मां जवाब देना तो किसी बेटी का घर नहीं बिगड़ेगा उस माँ ने उस बेटी को बोला कि बेटी जैसे तू मेरे से पूछ रही ना वैसे ही तेरी एक माँ और वहां पर भी है और उस माँ को जाके बता कि माँ मेरे को खाना बनाना आता है या नहीं आता है क्या आता है क्या नहीं आता है और मेरे को सिखाओ और बेटी शाम को मुझे फोन करके जरूर बताना कि आज तुम्हारी नई माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है जो सास को मां मान के चलेंगे और वहां पर अपनी गलतियां जो कुछ भी है वहां जाकर के सीधा शो ऑफ करने की बजाय सीधी बातें बताएंगे तो वहां पर कहानी बनती है एक दो तो बच्चे गलत अनब्लॉक हो गए हैं वो जो उनका मैसेज आता रहता है एक बार जो है जो बच्चे गलत अनब्लॉक हो गए हैं ना जो जिनके मैसेज नहीं आते हैं वे नाइन एट वन टू जीरो जीरो, जीरो नाइन सिक्स नाइन सिक्स इस नंबर पर बात कर लेना आज मैसेज भेज देना वो अपना नाम और जो है उसको हम जो है अनब्लॉक कर देंगे चलिए तो मैं बता रहा था तुम्हें जो जो खाना बनाने की कहानी अब खाना जब पहली बार बनाएंगे तो उसको आलू काटने में दिक्कत आएगी प्याज काटने में दिक्कत आएगी लहसुन छीनने में दिक्कत आएगी अब आटा गूंदने में दिक्कत आएगी कभी ज़्यादा पानी डलेगा कभी कम डलेगा कभी कुछ होगा पहली बार जब खाना बनाते तो बहुत टाइम लगता है एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो टेस्टी ना बने दूसरी बार बनाते तो पहली बार की बजाय कंपेरेटिवली सही होता है तीसरी बार बनाते तो और अच्छा होता चौथी बार बनाते तो और अच्छा होता पांचवी बार और अच्छा होता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड भी इनक्रीज हो जाती है तो आपको कोई भी काम करना जो ये ये फालतू की चौंकले हैं कि चवन प्रास खाने से स्पीड बढ़ जाएगी या पावर प्रास खाने से या ऐसा या वैसा ये कुछ नहीं है कुछ भी कितनी ट्रिक्स यहां पर बातें बताते रहे समझाते रहे कुछ भी करते रहे पेपर में जाकर के सब साफ होता है पेपर की तैयारी करनी है हमें मैथ नहीं सीखना हमें मैथ सीखना ही नहीं हमें पेपर की तैयारी करनी है और लगातार हम इसी बात पर फोकस करते हैं हर बात को मैंने यही बताया है तो तुम पेपर वेपर छोड़ो पेपर तैयार करना ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सारी बातें तुम्हें मैं वैसे बताता रहूंगा एक बार सवाल करोगे तो स्पीड कम है दूसरी बार करोगे तो कंपेरेटिवली ज्यादा और तीसरी बार करोगे तो और ज्यादा चौथी बार करोगे तो और ज्यादा पांचवी बार करोगे तो और ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने उभरते जाओगे जितना आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारे बात बन जाएगी चलिए बहुत बढ़िया <coughs> इस सवाल को करना चालू करते हैं एक थैले में एक रुपया पचास पैसे और पच्चीस पैसे वाले सिक्के हैं तो मैं लिखूंगा एक रुपया पचास पैसे और पच्चीस पैसे मैं इस एक रुपये को पहले से ही अपनी तरफ से बदल के सौ पैसे लिख लेता हूं सारे एक जैसे हो जाएंगे शक्ल से एक जैसे हो गए चलिए सौ पैसे पचास पैसे पच्चीस पैसे के सिक्के हैं कर्म से चार अनुपात तीन अनुपात दो के मूल्य के अनुपात में है चार अनुपात तीन अनुपात दो के मूल्य के अनुपात में है यदि सिक्कों की कुल संख्या 270 हो यहां दिया संख्या 270 पहले सवाल में क्या लिखा हमने क्या लिख दिया पहले ये बात देख लो इसमें सर बहुत अच्छी लग रही है कहां अच्छी लग रहे हैं तो अपने आप ही जबरदस्ती बढ़ गई कोरोना के कारण संजय जागलान ऐप पर भी ऐसी ही क्लास चलेंगी जैसे कि क्लासरूम में चलती है थोड़ा सा डिफरेंस होता है देखो क्लासरूम का रिप्लेसमेंट ऐप नहीं हो सकता क्लासरूम का रिप्लेसमेंट यूट्यूब नहीं हो सकता है यूट्यूब के पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है 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 क्लास के पढ़ाने है? के पढ़ाने पढ़ाने में में क्या 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 प्रॉब्लम रहती ऐप वो वो हम सबको पता है। वो सारी बातें उन क्या है, क्या कमी है, उन रिक्वायरमेंट कमी सब चीज़ों को हम जो है वहां पर पूरा का पूरा करके तुम्हें देंगे एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा जैसे मैं लगातार क्लास में बोलता रहता था कि क्लास में पढ़ के जाने के बाद या यहां पर ये करने के बाद तुम्हें क्या पता कि आ गया कि नहीं आ गया ये पता तुम्हें तब चलेगा जब तुम उन क्वेश्चंस को करके देखोगे ये क्वेश्चन तो करके देख लिए भूल गए तो फिर से पर देख लिए अब ऐसे ही क्वेश्चन दिया था बाद में भी दे दूंगा और मेरे ख्याल से नीचे उस पर भी चलता रहता है तो नाइन एट वन टू जीरो जीरो नाइन सिक्स नाइन सिक्स इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा अटकता है व्हाट्सअप पर भेज सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको मैं यहां पर इसी प्रकार से लिख के तुम्हें करवाऊंगा चलिए पढ़ाना शुरू करता हूं अनुपात दे रखा मूल्य का और बांटनी है संख्या तो यह गड़बड़ है इस गड़बड़ को सही करने के लिए मूल्य के अनुपात को संख्या के अनुपात में बदलेंगे अब मुले जहां मुले दे हो, वहीं पर लिख देने चाहिए चार रुपए लिख लो तीन रुपए लिख लो दो रुपए लिख लो ज्यादा अच्छा चाहते हो इस चार रुपए को हटा करके चार पैसे लिखो यहां चार पैसे यहां पर तीन सौ पैसे लिखो ज्यादा अच्छा एहसास होगा तुम्हें यहां दो रुपए को दो सौ पैसे लिखो मैंने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं की चार अनुपात तीन अनुपात चार को रुपए लिख दिया इनके पैसे बना दिए सौ पैसे का एक सिक्का चार सौ पैसे चाहिए तो चार सिक्के चाहिए पचास पैसे का सिक्का तीन सौ पैसे चाहिए तो छह सिक्के चाहिए पच्चीस पैसे का सिक्का और 200 पैसे चाहिए तो आठ सिक्के चाहिए या तो इसको ऐसे ही रख लो या इसको दो से काट सकते अनुपात बनाने के लिए तो दो अनुपात तीन अनुपात चार अनुपातिक योग यहां पर हो गया नौ नौ से भाग करेंगे दो को तो तीस तीस से इनको गुणा करेंगे तो तीस दूनी साठ साठ सिक्के तीस तिया नब्बे सिक्के और तीस चौक एक सौ बीस सिक्के ये सिक्कों की संख्या है अब यहां पर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य पूछा है मूल्य इन्होंने सिक्कों की संख्या नहीं पूछी मूल्य पूछा है साठ सिक्के एक एक रुपए के तो सीधे साठ रुपए हो गए साठ रुपए साठ रुपए एक जगह पर उत्तर है सी में बाकी जगहों पर है ही नहीं नब्बे सिक्के हैं पचास पचास पैसे के पचास पैसे वाले सिक्के अगर बदलने में दिक्कत आए तो पचास पैसे का सिक्का है तो एक रुपया दो सिक्के अब यहां नब्बे सिक्के हैं और इसका ये आधा है तो यहां पर ये पैंतालीस लिखना एक सवाल में पूरा समझा रहा हूं फिर बाकी आगे समझाने की जरूरत नहीं पैंतालीस आ गया अब पच्चीस पैसे का पच्चीस पैसे का सिक्का तो एक रुपए में चार सिक्के और एक सौ बीस सिक्के हैं चार से भाग चार से भाग तो तीस रुपए तो साठ पैंतालीस और तीस सी सही उत्तर है इसका शोले फिल्म के गब्बर लगते हो कति निखिल गेमिंग वाह चलो बहुत ही बढ़िया तुम लोगों को यह सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया इस बात पर फोकस करें तो ज्यादा बढ़िया है बहुत ही बढ़िया एक दो बार देखना सवालों को फिर इनकी प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे फिर उनकी प्रैक्टिस करना तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा बातें समझ में आ जाएंगी यहां पर एक रुपया पचास पैसे पच्चीस पैसे के सिक्के हैं जो कहा वही लिख दिया अपनी तरफ से हम कुछ भी करते ही नहीं बहुत शरीफ आदमी बचपन से ही तीन अनुपात दो अनुपात एक के मूल्य के अनुपात में है अब अगली बात कह रहा है यहां पर यदि सिक्कों की कुल संख्या 110 है इन सवालों में हम लोगों को जो देखना है वो ये देखना है कि अनुपात है मूल्य का और बांटनी है संख्या यह अनुपात किस चीज का मूल्य का और बांटनी है संख्या तो हमें यह अनुपात बदलना पड़ेगा अब जहां मूल्य दे दे वहीं रुपए लिख लो रुपए 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 इसके भी सिक्के बना लो सौ पैसे बना दो इसके भी इसके भी पैसे बना दो तीन सौ पैसे इसके पैसे बना दो 200 तो तो पैसे इसके पैसे बना दो 100 पैसे जब तक तुम्हें नहीं आता तो बहुत बेसिक से करो और जब आ जाए तब, तब चाहे जैसे भी करते रहना इसमें दिक्कत क्या है सौ पैसे के तीन पैसे चाहिए तो पचास पैसे के दो पैसे चाहिए तो चार और पच्चीस पैसे के सौ चाहिए तो चार तो 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 अनुपात तो तो आ गया संख्या का चार अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात चार ये हो गया ग्यारह ग्यारह से भाग करेंगे एक सौ दस दस से गुणा करेंगे तो संख्या आ गई तीस चालीस और चालीस तीस सिक्के एक एक रुपए के तो तीस रुपए बन गए ये मूल्य चालीस सिक्के पचास पचास पैसे के तो बीस रुपए बन गए और चालीस सिक्के पच्चीस पैसे के तो दस पैसे बन गए दस रुपए बन गए तो तीस बीस और दस ये तीन अनुपात दो अनुपात एक का पहले तो मूल्य चेक कर लो जो हमने लिखा था और इसमें पूछा है कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ तो दैट इज इज एंड डी राइट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत सारे लोगों को आ भी गया है जितने लोग सीख रहे हैं जो पहली बार जुड़े हैं तो मैं इस तरीके से सवाल करवा रहा हूं कि इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो इतनी भी स्पीड अगर कोप अप नहीं कर पा रहा तो पहली वाली क्लासेस देखना और इस वीडियो को एक दो बार और देखना तब तुम्हें बातें समझ में आने लग जाएंगी कई बार पत्थर हथौड़े की पहली चोट से नहीं टूटता तो दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी चोट मारनी पड़ती है पहली लाइन पढ़ेंगे और लिख देंगे टेंशन है ही नहीं एक रुपया पचास पैसे पच्चीस पैसे यह लाइन लिखने में बताओ किसको क्या दिक्कत आई पहली बात दूसरी बात दो अनुपात तीन अनुपात पांच के मूल्य के अनुपात में है बहुत ही अच्छी बात सिक्कों की कुल संख्या 140 संख्या 140 दे दी अनुपात है मूल्य का और बांटनी है संख्या इसलिए मूल्य के अनुपात को संख्या में बदलेंगे और इनके रुपए लिख लेंगे जहां 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 मूल्य रखा हो वहां रुपए लिख लो दो रुपए तीन रुपए पांच रुपए अब दो रुपए के नाम के लिख लो दो पैसे यहां लिख लो तीन सौ पैसे और यहां लिख लो पांच सौ पैसे इसके लिख लो सौ पैसे सौ पैसे के दो सौ बनाने हैं तो दो सिक्के होने चाहिए दो सिक्के अब पचास के तीन सौ पैसे बनाने हैं तो छह सिक्के अगर पचास 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 छह बार होगा तो तीन सौ और पच्चीस के 500 सौ बनाने हैं तो बीस सिक्के अब दो से इसको भाग करके हम एक अनुपात तीन अनुपात दस अनुपातिक योग चौदाह चौदह से भाग करें दस और दस से गुना करें तो संख्या सिक्कों की आ गई दस तीस और सौ एक रुपए के दस सिक्के हैं तो दस रुपए यह मूल्य बन गया पचास पैसे के तीस सिक्के हैं तो पंद्रह रुपए यह मूल्य बन गया और पच्चीस पैसे के सौ हैं तो ये पच्चीस रुपए अगर यह बात समझ में नहीं आ रही एक रुपए में चार और यहां लिख रखा है सौ चार से भाग चार से भाग पच्चीस पचास पैसे वाले नहीं आ रहे बनाने तो एक रुपए में दो सिक्के और यहां कह रहा था कितने तीस सिक्के आधा करेंगे पंद्रह चार से भाग करेंगे पच्चीस तो दस रुपए पंद्रह रुपए और पच्चीस रुपए दस पंद्रह पच्चीस ए इज राइट आंसर इसके अंदर कह सकता था सिक्कों का कुल मूल्य बताइए तो सिक्कों का कुल मूल्य जब पूछता तो इन सभी को हम जोड़ देते पचास रुपए उसका सही उत्तर होता चलो बहुत ही बढ़िया लाइव कमेंट में बहुत सारे कमेंट दब जाते हैं तुम्हारे नाम चले जाते हैं ये क्लास फिर इसके बाद रह जाती है इस क्लास को वहाँ पर जाने के बाद जब ये क्लास वहाँ पर चली जाए तो वहाँ जाने के बाद तुम लोग जो हैं दोबारा से उसके ऊपर कमेंट कर दोगे तो उस कमेंट का मैं रिप्लाई भी दूंगा कभी ना कभी मैं उसको चेक कर ही लूँगा कि सर ये प्रॉब्लम आ गई या ऐसा हो गया वैसा हो गया एक थैले में एक रुपया पचास पैसे और पच्चीस पैसे वाले सिक्के हैं मूल्य का अनुपात दे रखा है दो अनुपात तीन अनुपात चार ये मूल्य का अनुपात है इसमें कह रहा है सिक्कों की संख्या दो सौ चालीस हो <coughs> सिक्कों की संख्या दो सौ चालीस इतनी बात लिखते ही तुम्हें पता चल गया कि मूल्य का दे दिया अनुपात और बांटनी है संख्या ये गड़बड़ है इस गड़बड़ को ठीक करने का तरीका क्या है इस मूल्य के अनुपात को संख्या के अनुपात में बदले मूल्य के अनुपात से संख्या के अनुपात में इसके दो पैसे बनाओ इसको तीन पैसे बनाओ इसको चार पैसे बनाओ इसको सौ पैसे बनाओ ये दो नोट चाहिए यहां छ चाहिए और यहां सोलह चाहिए एक रुपये में चार सौ पैसे में चार चार सौ में सोलह तो दो छोलह जोड़ चौबीस चौबीस से भाग करेंगे तो दस आएगा और दस से यहां पर गुना कर लेंगे तो ये बीस साठ और एक सौ साठ बीस सिक्के एक एक रुपए के तो बीस रुपए हो गए पहले नंबर पर बीस एक जगह पर इतने पर काम बन सकता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दो जगह बीस होता तो फिर आगे चेक करते हैं हम अब यहां पर साठ सिक्के पचास पैसे के तो तीस रुपए बनेंगे बीस तीस अब सो एक सौ साठ सिक्के पच्चीस पैसे के चार से भाग होगा तो चालीस रुपए बनेंगे और अगर पूछता टोटल सिक्कों का कुल मूल्य कितना है तो नब्बे रुपए आंसर आ जाता मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल तुम्हें सभी को समझ में आ गया है कि हां जी ये सवाल क्लियर हो रहा है बहुत बढ़िया एक बार और लिखने वालों तुम्हें घर जाके जब ये क्लास पूरी हो जाए ना तब एक बार और देख लेनी है वीडियो एक थैले में एक रुपये तो पचास पैसे पच्चीस पैसे के सिक्के हैं तो बिना टाइम लगाए एक रुपया पचास पैसे पच्चीस पैसे जो एक बार और कह रहे हैं वो ध्यान से देखें अब इनका अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन जब ये अनुपात देगा तो ऐसे अनुपात में या तो कहेगा संख्या का अनुपात या कहेगा मूल्य का अनुपात या कहेगा ही नहीं कोई अनुपात है ऐसे कुछ कहेगा ही नहीं जब नहीं कहेगा तो ये संख्या का अनुपात होता है जब कहे संख्या का तो संख्या का है ही जब कहे मूल्य का तो मूल्य का है ही और जब ना कहे कुछ कहे ही ना तब संख्या का अनुपात है इनका मूल्य एक सौ रुपए है अब फिर से तुम समझ गए कि अनुपात दे दिया संख्या का और मांग लिया मूल्य तो हम इस संख्या के अनुपात को मूल्य में बदलेंगे ये सौ पैसे थे सौ पैसे का एक सिक्का हो तो सौ पचास पैसे के दो हो तो सौ और पच्चीस पैसे के तीन हो तो पचहत्तर पच्चीस से भाग हो रहा है 25 से भाग होने के बाद ये चार अनुपात चार अनुपात तीन अनुपात ग्यारह ग्यारह से भाग करेंगे 110 सौ से दस आ जाएगा दस चौक चालीस रुपए अगले के भी चालीस रुपए और अगले के तीस रुपए अब यहां पर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस इन द बैग टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इन द बैग चालीस रुपए हैं एक एक रुपए का सिक्का है तो चालीस ही सिक्के बनेंगे चालीस रुपए पचास पैसे का सिक्का है तो अस्सी सिक्के बनेंगे अब याद को पता नहीं चलता कहां दो से भाग करना कांतो से गुणा करना है एक रुपए में दो सिक्के अब यहां चालीस रुपए है जब रुपए लिखे तो रुपयों के नीचे रुपए लिखना और डबल करना है तो अस्सी और जब सिक्के हैं तो सिक्कों के नीचे लिखना अब भाग करना या गुणा करना इससे पता चलेगा अब यहां पर पच्चीस पैसे वाले हैं तो एक रुपये में चार सिक्के अब तीस रुपए है तो गुणा चार होगा एक सौ बीस आ गया एक सौ बीस अस्सी दो सौ और चालीस दो सौ चालीस सिक्के आंसर बी जिनको सही समझ में आ गया एक बार जल्दी से अप लगा के दिखाओ और जिनको समझ में नहीं आया तो वो दोबारा रिपीट करना मेरे यहां पर जो है ये पूरे करने के बाद <coughs> किस नाम से ऐप है ऐप है आईसीएस कोचिंग आईसीएस होमवर्क तुम लोगों में से जिसको सरकारी नौकरी चाहिए तो नाइन एट वन टू जीरो जीरो नाइन सिक्स नाइन सिक्स सरकारी नौकरी छोड़ो जिंदगी में कामयाबी चाहिए ये नंबर है इस नंबर पर कॉल करके पता कर लिया करो आईसीएस होमवर्क ये ऐप है उसके ऊपर टेस्ट अपलोड होते हैं हर रोज अभी एक दो दिन में वो सही चालू हो जाएगा तब टेस्ट का सोल्यूशन उसके ऊपर हुआ करेगा हर रोज क्लास पढ़ाएंगे किसी को आज तक ना कभी कुछ मिला है ना आगे कभी कुछ मिलेगा इनको बार बार देखना पड़ेगा एक बार देखने से बात बनती तो सही बात होती अगर हथौड़ा एक बार मारने से पत्थर टूट जाता तो हमें क्या जरूरत है दूसरी बार कहते लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो एक बार मारने से नहीं टूटता <coughs> भाई तुम लोगों को पता है कि अभी आजकल कोरोना का सीजन चला हुआ है एक चुटकुला सुना देता हूं तुम लोगों को एक काम वाली बाई ने अपनी मालकिन से पूछा कि मालकिन कोरोना त्योहार की छुट्टियां हर साल हुआ करेंगी क्या कुछ लोगों को पता ही नहीं कि कोरोना क्या है उनके लिए तो त्योहार चल रहा है और भारत के लोग बहुत महान हैं बहुत ही महान हर रोज कोई जलेबी बना रहा कोई गुलाब जामुन बना रहा कोई कुछ बना रहा कोई कुछ बना रहा तो त्यौहार तो तो चल रहा है बहुत सारे लोगों का तो <coughs> बहुत सारे लोग इस टाइम पर अपना पढ़ रहे हैं मेरा एक फ्रेंड था दिल्ली में उससे मैं बात कर रहा था सुबह ही तो उसने कहा यहाँ के लोगों को तीन ही चिंता है जो छोटे बच्चे हैं उनको पबजी जितनी महिलाएं हैं उनको टिकटॉक और जितने आदमी हैं उनको शराब कैसे मिलेगी कैसे जुगाड़ होगा सस्ती कहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी शाम को किसके साथ पीनी है या क्या करना है बोला यहाँ के लोगों को तीन ही प्रॉब्लम है छोटे बच्चों को पबजी महिलाओं को टिकटॉक और आदमियों को शराब बोला 20 साल से ऊपर के और जो मरने की उम्र तक जब तक जो कबर में पैर नहीं रख लेते एक तब जब तक हाथ पैर चलते रहते तब तक, तक इस चक्कर में बैठे रहते हैं बोला हमारे जो घर के सामने कुछ लोग जो बैठे रहते हैं वहां पर जो एक जो खेलने का ग्राउंड था उस ग्राउंड में बैठे रहते हैं बोला मैक्सिमम लोग वे हैं जो अधिकारी हैं और जो रिटायर्ड है रिटायर्ड होने के बाद तो बोला वहां पर वो मुंह डे से डाल रखे सब ने अपना सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अलग अलग जगह पर बांट रखे वहां बांट करके बोला किसी टाइम जालो उनके पास दारू के जिक्र के अलावा कुछ होता ही नहीं तो मुख्य समस्या आजकल ये चल रही है और कल जब जो है दिल्ली में खोली गई तो किस प्रकार से चार चार पाँच पाँच किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई बेचारे इंतजार कर रहे थे कि कब जो है सोमरस मिलेगा और कब हम लोग जो है अपने जीवन को तृप्त करेंगे आनंद पूर्ण होंगे अलीगढ़ ने रिकॉर्ड तोड़े हैं न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर गलत नहीं हूं तो बीस करोड़ से ज्यादा की शराब अकेला अलीगढ़ एक दिन में पी गया यूपी राज्यों में सबसे ऊपर के नंबर पर है पांच पंच राज्यों में खोली गई थी शराब साफ साफ बिल्कुल साफ साफ मंत्रियों ने कह करके कि अगर शराब नहीं बेचेंगे तो लोगों की तनख्वाहें कहां से देंगे अगर शराब नहीं बेचेंगे लोगों को नहीं पिलाएंगे तो फिर क्या होगा अब बहुत बड़ी बात नहीं है एक दो दिन में एड तुम्हें देखने को मिल जाए और कोई मंत्री या मुख्यमंत्री को यह कहता मिल जाए कि राष्ट्र निर्माण के लिए या भारत को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शराब पिए अगर ऐसा जो चुटकुला कोई मिल जाए तो बड़ी चीज नहीं है लगातार सैनिक शहीद हो रहे हैं किसानों का हाल क्या है मंडियों के अंदर हॉस्पिटल्स की सेवाएं शिक्षा एजुकेशन जो देश को आगे बढ़ाने की चीज़ें हैं वो कितना है ये सब लोगों के सामने आ गया है अब इस चीज़ को हम जो है सिर्फ कमियां गिनाते रहें या इसके ऊपर काम करें प्रॉपर तो वो सब चीज़ें हैं और हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ये बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन जाना मैं स्टेटस के ऊपर तुम्हारे काम की बातें लगाता रहता हूँ उस स्टेटस को जो है तुम लोग चेक करते रहा करो देखते रहा करो बहुत अच्छे लोग हैं दो बातें हैं दो बातें हमेशा ध्यान रखो दो चीज़ें अलग अलग हैं एक लोग जनता और दूसरा सरकार स्टेट पुलिस फोर्स ये दो अलग अलग बातें हैं दो बातें जनता की बातें और सरकार की बातें अलग अलग हैं जनता की बातें इस टाइम पर क्या हैं कि लोगों को कोरोना ना हो लोग मरे नहीं लोग घर से बाहर ना निकलें और सरकार की बात इस टाइम पर क्या है कि शराब कैसे बेचें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अब रिवेन्यू कैसे आएगा जब लोग ज़्यादा शराब कल से व्हाट्सएप के ऊपर बाहर आई हुई है कि आज के बाद कोई भी आदमी बे जो है शराब पिए मिले या कुछ भी करता मिले तो उसको बेवड़ा मत बोलना उसको इकोनॉमिक वॉरियर बोलना कि ये देश की अर्थव्यवस्था संभालने में सबसे बड़ा योगदान देगा सत्तर परसेंट उसका जो है वो बढ़ा दिया टैक्स बढ़ा दिया है अब बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे हैं उनको बढ़ने से पहले कोई फर्क नहीं था बाद में कोई फर्क नहीं कोई टेंशन नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों को तो इस पर चिंता हो गई होगी बहुत ही ज्यादा तो अब क्या करें इसके ऊपर तुम लोगों को चलिए मैं सवाल करवाता हूं बहुत बढ़िया एक थैली एक रुपया पचास पैसे पच्चीस पैसे एक रुपया पचास पैसे पच्चीस पैसे चार अनुपात तीन अनुपात दो के अनुपात में है अब यहां पर ना मूल्य दिया ना संख्या दी तो यहां पर संख्या लिखेंगे ये बात याद रखना अब उनका कुल मूल्य दे रखा कुल मूल्य दो सौ चालीस रुपए तो मूल्य दो सौ सबसे पहला काम पहली लाइन पढ़ना ये लिखना दूसरी पढ़ना ये लिखना तीसरी पढ़ना ये लिखना और ये पढ़ने के बाद बोलना कि बेड़ा गर्ग हो इसका अनुपात दिया संख्या का और बांटनी है मूल्य अगर ये मूल्य का अनुपात दे देता तो इसका क्या बिगड़ जाता बताओ तो हमें ये संख्या का अनुपात मूल्य के अनुपात में बदलना पड़ेगा इसको सौ सो पैसे सोचना सौ सो पैसे के चार सिक्के तो चार सौ पैसे हुए पचास पैसे के तीन सिक्के हैं तो डेढ़ सौ पैसे हुए और पच्चीस पैसे के दो सिक्के तो पचास पैसे हुए अब ये पचास पैसे से सारे कट रहे हैं पचास पैसे से सारे कटने के बाद इनका अनुपात बन जाएगा आठ अनुपात तीन अनुपात एक और अनुपात योग कितना हो जाएगा बारह बारह से भाग करेंगे तो बीस बीस से आठ को गुना करेंगे तो एक सौ साठ रुपए हैं ये अब बीस या साठ रुपए हैं ये और बीस एकम बीस रुपए हैं ये सिक्कों की संख्या चाहिएगा सिक्कों की संख्या एक रुपया एक सिक्का एक सौ साठ रुपये एक सौ साठ सिक्के अब पचास पैसे का सिक्का है एक रुपया दो सिक्के साठ रुपये एक सौ बीस सिक्के एक रुपया चार सिक्के पच्चीस पैसे का सिक्का है बीस रुपये अस्सी सिक्के अस्सी ये एक सौ बीस ये दो सौ और साठ ये तीन सौ साठ एक बार करने से काम ना बने तो दो बार तीन बार चार बार पांच बार ऐसे करते चले जाना बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है बहुत सारे लोग सीखते जा रहे हैं एक खुशी की बात है चलो जी अब मैं आगे बढ़ता हूं बहुत ही बढ़िया करके दिखाओ चलो जल्दी से एक थैले में एक रुपया पचास पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्के दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में हैं। ऐसे ही लिखेंगे कुछ करना ही नहीं है एक रुपया पचास पैसे पच्चीस पैसे यही लिखना है दो अनुपात तीन अनुपात पांच संख्या का अनुपात कुछ भी ना होना तो संख्या का अनुपात और इनका मूल्य दे रखा एक सौ नब्बे वही बातें बोलनी है कि अनुपात संख्या का बांटना है मूल्य इसको बदलेंगे एक रुपए के दो सिक्के हों तो दो सौ पैसे बनेंगे डेढ़ सौ पैसे बनेंगे और एक सौ पच्चीस पैसे बनेंगे इनका अनुपात करेंगे पच्चीस से भाग होगा आठ अनुपात छः अनुपात पाँच पाँच और छः ग्यारह और उन्नीस उन्नीस एक सौ नब्बे दस दस से गुणा करेंगे तो अस्सी सिक्के नहीं रुपए हैं ये साठ रुपए और पचास रुपए ये रुपए ये रुपए ये रुपए एक रुपए में एक सिक्का अस्सी रुपए में अस्सी सिक्के साठ रुपए में एक रुपए में दो सिक्के साठ में एक सौ बीस एक रुपये में चार पचास में दो सौ सिक्के 200 और दो सौ चार सौ सिकसी इज राइट आंसर क्या कह रहे हैं चलो दसवां सवाल आज की क्लास का लास्ट सवाल करवाता हूं वैसे तो मैं क्वेश्चन ज्यादा डाल के लाया था लेकिन जो है क्लास ज्यादा लंबी हो रही है इतने सवाल बहुत हैं इन सवालों को दो तीन बार करके देखना उन क्वेश्चंस को मैं उसमें डाल दूंगा टेस्ट में टेस्ट सभी लोग करके देखना क्वेश्चंस हमने और भी बना रखे हैं वे क्वेश्चंस टेस्ट में हैं, और क्वेश्चन जो है वे भी टेस्ट में आ जाएंगे पांच रुपए का सिक्का दो रुपए का सिक्का एक रुपए का सिक्का एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में है तो यह अनुपात हो गया संख्या का और बांटना है मूल्य दो सौ चालीस जिनको समझ में आ रहा है यस थम्स अप करके दिखाओ कि हाँ या जी आ रहा है सबको समझ में बहुत बढ़िया अब पांच रुपये का एक नोट है तो पांच पैसे बनाए नहीं नहीं क्योंकि हर जगह पर रुपए हैं वो खिचड़ी होती है ना कहीं पर रुपए और कहीं पर पैसे वहां पर जो हमें चेंज करना होता है यहां पर करने की जरूरत नहीं होगी <coughs> आसिफ खान हेलो सर जी आप तो भगवान के बराबर हो भगवान के बराबर आदमी नहीं होता भाई हम कोशिश कर सकते हैं हम आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं सदबुद्धि भगवान ने हमें दी तुच्छ प्राणी भगवान के बराबर कैसे हो सकते हैं कोचिंग कब तक हो जाएगी देश, राज, मीना ओपन मैं तो ये चाहता हूं कि अभी जो ओपन हो जाए लेकिन कोरोना की स्थिति इस प्रकार से है क्या बताएं चलिए भैया दो रुपए के दो सिक्के तो चार रुपए और एक रुपए के तीन सिक्के तो तीन रुपए ये मूल्य का अनुपात आ गया नौ और चार तेरह नौ और पांच और चार नौ और तीन बारह बारह से भाग करेंगे बीस बीस से गुणा करेंगे तो 120 रुपए बीस रुपए कितने से गुना किया मैंने बारह बीस से सौ रुपए आएंगे ना अनुपात की योग हो गया नौ पांच और चार नौ और तीन बारह बारह से भाग करेंगे बीस बीस से गुणा करेंगे कलर चेंज कर देता तो। हूं बीस पंजे सौ अस्सी और साठ Total मिला करके दो सौ चालीस रहे। अब क्या पूछा कुल सिक्कों की संख्या बताइए सौ रुपए पांच रुपए का सिक्का है तो बीस सिक्के चाहिए दो रुपए का सिक्का तो सिक्के चाहिए साठ रुपए एक रुपए का सिक्का तो साठ सिक्के चाहिए कुल मिलाकर के एक सौ बीस सिक्के उस थैले में होंगे सी इसका सही उत्तर है एक सौ बीस सुमन रानी हमारे तो भगवान ही हो जो हमें इतना सिखाया ये तुम्हारा प्यार है बेटा गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है पूजा कुमारी अब मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारे इस प्यार के लिए और इन सब बातों के लिए लेकिन जो मुझे महसूस होता गया जो बच्चों के कॉम्प्लीमेंट्स आते गए वे बातें मैं मानता गया यहाँ तक ये कहानी पहुँच गई और हम कोशिश करेंगे उसको आगे भी बढ़ाएं और ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पहले तो यह नंबर नाइन एट वन टू जीरो जीरो नाइन सिक्स नाइन सिक्स इस नंबर को रखो अपने पास जो भी प्रॉब्लम आती है तुम्हें पढ़ने के बाद उसके ऊपर टेस्ट का रिजल्ट आता है प्रियंका चावड़िया कहां रहती है तो टेस्ट का रिजल्ट आता है तुरंत जैसे ही पेपर हुआ वैसे ही रिजल्ट तुरंत से ऐप बाद में बंद रिजल्ट पहले आईसीएस होमवर्क ये डाउनलोड फ्री है फ्री डाउनलोड करो अभी तो इसके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं ऐसे ही सभी वैसे ही करो रविंदर कश्यप ये सर आप भगवान के अवतार हो ऐसा कहने से मैं भगवान नहीं होने वाला हूं मैं तो वही तुच्छा परिमल हूं भाई जब हमने सेंटर खोला ना सेंटर खोला एक घटना सुनाता हूं तुम्हें हमने सेंटर खोला सेंटर खोलने के बाद आ, बहुत सारे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ते थे तो कोई रिजल्ट जो पेपर आया था पेपर आने के टाइम पर जो बैच बिल्कुल फुल था छोटा सा जो है उस टाइम पर सेंटर था छोटे से रूम हुआ करते थे उसमें लिमिट हुआ करती थी रूम था तीस चालीस बच्चों का जिसमें तीस चालीस बच्चे बैठ सके उसमें बैठे हुए थे साठ सत्तर बच्चे और कोई फंस ही नहीं सकता था कहीं पर भी उसमें जो जो इतनी 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 सी 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 जगह 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 बचती थी बस इतनी सी और इतनी सी में भी अपने आसपास लड़कों को बिठाना पड़ता था स्पेशल करके ताकि कोई ये ना कहे कि लड़कियों से जो घुटने से घुटने में ला रहे थे सर कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है तो हम किसी को कुछ भी कहने का मौका ही क्यों दें तो वहां पर इस प्रकार से जो है पढ़ने के लिए बस इतना सही मुड़ना होता था ऐसे करके लिखते ऐसे करते ये जो बिल्कुल फुल पैक उस टाइम पर जब पढ़ाते थे बच्चे इतने फुल थे तो फिर जो है सेंटर का नाम सा होने लग गया था उस टाइम पर नया नया ही था तो एक आधा जानकार वगैरह आता यार एक जना जो और बिठाने में क्या दिक्कत है अब जो बिठाने के भैया रूम है देखो जरा कहीं पर जगह हो तो बिठा दो उसको और नहीं जगह हो तो शाम को आ जाओ तो इस प्रकार से मामला तो एक मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था और अपनी वाइफ़ को पढ़वाने के लिए आया मैंने कहा यार देखो जगह है नहीं तेरे लिए तेरा सेंटर तेरा सब कुछ तो उसने क्लास का कमरा देखा सारी बातें ये वो फलाना डिमकाना और वहाँ से उठ के चलते टाइम मैडम उस टाइम तक स्कूल में पढ़ाती थी स्कूल से आई थी उसको जो है वो ध्यान नहीं दिया और ऐसे करते हुए भले कल तई तक कच्चे कच्चे में गोबर गिर था आज जो है मारे तई दाखिले नाटन ना लाग गया घना बड़ा आदमी हो गया तो इस प्रकार की बातें कहते हुए बड़बड़ाता हुआ वो बाहर अब इस बात का क्या कह सकते हैं तो ऐसे भाई हम तो हम अपने आप को वही मानते हैं जैसे जब हम बचपन में थे बचपन में छोटे से थे हम बहुत बार अब कमेंट आए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए क्लास चल रही थी कोरोना के लॉकडाउन के कारण और उस टाइम पर किसी घर वाले काम करवाते हैं इसमें कंपलशन था mm. मैं तुम्हें बता दूं जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पर मेरी माँ बीमार सी रहती थी और बहन छोटी थी हम लोग तीन भाई थे और तीनों भाई जैसे भी तुम लोगों को दिखते हैं हट्टे कट्टे हैं ही तो अधिकतर काम हमारे जिम में होता था और तो सुबह हम जल्दी उठ करके तो भैंस का गोबर जो है हेल सर पे रख के और जो है जाकर के कुरुड़ी में डाल के आते थे ये हमारा डेली रूटीन का काम होता था और बहुत सारे लोग जो हमें देखते भला के छोरी यहाँ का काम करा करो तुम के छोरी हो ये वो अब माँ बीमार है और कोई चारा है नहीं तो क्या करें तो लोगों को मजाक उड़ाने का काम था वो तो मजाक उड़ाते रहते थे हम खेतों में काम कर कर के जाते थे बीएससी जब मैंने की तो बीएससी के हर बार पेपर अप्रैल और मई में हुए और हर बार अप्रैल और मई में ही जो है गेहूं कटते हैं तो गेहूं काट कर के पेपर देने जाते थे बी के पढ़ाई लिखाई खेत में हमने अपने घर वालों के साथ काम किया था तुम्हें तो भी घर वालों के साथ रह कर के उनकी हर परिस्थिति का पता होना चाहिए कि वे जो खुश हैं या दुखी है कभी व्हाट्सएप के चक्कर में मामला खराब रहे वे लोग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं तो तुम भी उनके लिए जो है इन रिटर्न वापस दोगे एक चुटकुला और याद आया सुनाता हूं तुम्हें एक लड़का बड़ा चिंतित होकर के अपने दोस्त को बताता बोला यार कल तो नेट का पैक खत्म हो गया जो उसके साथी थे वे और ज्यादा चिंतित बोला फिर फिर क्या घर वालों के पास जाके बैठा बोला फिर बोला फिर पता चला कि आदमी तो ये भी अच्छे ही हैं ने नेट ने व्हाट्सएप ने घर वालों से इतने दूर कर दिए कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं पता ही नहीं है तो घर वालों के साथ बैठा बातचीत तो हुई बड़ा आदमी तो ये भी अच्छे हैं तो भाई इतना एलिनेशन ना बनाओ कोरोना के टाइम में ये ज्यादा आप लोगों के पास है ऐसा ना करना कि एक ही कमरे में बैठ करके हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि सभी अपने अलग अलग फोन पर लगे हुए हैं अब क्या करें मुझे जो इतने सारे ब्रांचेज इतने आदमी इतने स्टूडेंट्स का रिप्लाई करना होता है वो करते हैं मैडम भी जो है जैसे अपनी जो है यूट्यूब के ऊपर क्लासेज हैं या ये है वो है क्या कमेंट कर रखे हैं किस लोगों ने अब रिक्वायरमेंट क्या तो इस प्रकार से जो है बीच में जो है ऐसे कमेंट भी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ वो अपना कर रहे हैं तो बच्चे अपने जो फोन पर लगे रहते हैं एक और चुटकुला याद आया ट्रेन में जा रहे थे कुछ लोग और ट्रेन में जाते हुए एक छोटा सा बच्चा पढ़ रहा था ट्रेन में जा रहे बहुत सारे लोग बैठे थे तो एक छोटा सा बच्चा पढ़ रहा सारी जो महिलाएं उसके आसपास बैठी थी सारी की सारी अमेज्ड उसकी माँ की तरफ देख रही है आशा भरीने गांव से बोला तुमने अपने बच्चे को कैसे समझाया कि तुम्हारा बच्चा फोन लेने की बजाय किताब लेकर के पढ़ रहा है तो उस माँ ने कहा कि बच्चे सुनते नहीं हैं बच्चे देखते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं बच्चे देखते हैं तुम फोन में लगे रहोगे तो बच्चे फोन में लगे रहेंगे और तुम पढ़ते रहोगे तो वो पढ़ते रहेंगे बोला मैं पढ़ती रहती हूँ तो हमारे बच्चे भी पढ़ते रहते हैं ऐसी बात नहीं कि हम फोन पर लगे रहते हैं तो फोन का वो काम निपटाने के बाद हम बच्चे जब पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे पढ़ते भी हमारे बच्चों को पढ़ने का शौक है ऐसी बात नहीं है लेकिन ये दोनों बातें हैं और आजकल मैम जो पढ़ाने लगी हैं पैडाकोजी पैडाकॉजी में हाउ टू डील विद चिल्ड्रन बच्चों से कैसे बातें करें पेपर पास करना एक बहुत छोटी चीज़ होती है ज़िंदगी में खुश रहना स्वस्थ रहना एनर्जेटिक रहना हमेशा होपफुल रहना आशावादी रहना ये ज़रूरी चीज़ होता है खुश रहने के लिए तो वो सारी चीज़ें तो मैडम जो शाम को क्लास लेती तो सभी लोगों को ज़रूरत है वो सब क्लास लेते रहें और अपने पेरेंट्स को साथ बिठाओ दिखाओ उनको क्या दिक्कत है इन सारी बातों को और पेरेंट्स की और तुम्हारी बातचीत एक बात है तो बात सही है बहुत सारे लोग जो ना इस प्रकार की बातें करते हैं बहुत सारी लड़कियां करती है अक्सर कि हमारे घर वाले पढ़ने से मना करते हैं तुम जो ये पढ़ाई कर रहे हो तुम क्लास ले रहे हो तुम ये बातें कर रहे हो उनके साथ बैठ करके देखो इस बात को कैसे मना कर देंगे पढ़ने से जितनों के लड़के हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो तुम्हारी सोच और उनकी सोच जब मैच करेगी तब वे स्पोर्ट करेंगे और जब ऐसा नाम नहीं है तब उसको देखो विकास पांचाल आपके ब्रोदर का नाम बताओ मेरा एक भाई है पवन कुमार और दूसरा भाई है पवित्र कुमार मेरा भाई पवित्र जो है दिल्ली पुलिस में नौकरी में था लेकिन चूंकि सेंटर के काम ज़्यादा हो गए तो दिल्ली पुलिस की हमने एक सीट खाली करवा दी और वो अब नौकरी पर नहीं जाते हैं रिज़ाइन दे दिया और मेरा एक भाई टीचर है दिल्ली में पवन कुमार पढ़ता है मेरी वाइफ भी जो है बबीता त्यागी मैडम आपको पता ही है पढ़ाती थी दिल्ली में वो स्कूल छोड़ कर के अब यहाँ पर पढ़ा रही हैं और एक और भाई है मेरा जो पवित्र उसकी जो है वाइफ है वो भी नौकरी में लगी हुई है टीचर है दिल्ली में ही तो हमारे घर में जितने आदमी नौकरी लायक हैं सब नौकरी में हैं अब हम लोगों ने वो नौकरी धीरे धीरे छोड़ करके सेंटर के काम कर रहे हैं हम लोगों को पता है नौकरी कैसे मिलती है पढ़ाई कैसे होती है पढ़ना कैसे होता है तैयारी कैसे की जाती है उन सारी बातों के ऊपर हमारे और बाकी रिश्तेदार हैं तो उनमें भी नौकरियों में हैं सब लोग जितने लोग नौकरी लगने लायक हैं कुछ लोग रह गए हैं मेरी सिस्टर रह गई है मेरी सिस्टर जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था उस तरीके से नहीं पढ़ती थी चीजें जो गड़बड़ थी और वो मैंने बताया भी था मैंने क्लास में जो पढ़ाया वो पढ़ाया कभी भी स्पेशल मेरी सिस्टर है या कोई भी है तो उसको मैं अलग नहीं पढ़ाता बहुत सारे लोग जो है अलग से बातें पूछते हैं कि सर ये क्या मेरा एक ही जवाब होता है ये बात तो मैंने क्लास में कितनी बार बता ली और क्लास में मैं यहां खड़ा होकर के जो बता रहा हूँ क्या उससे ज्यादा बढ़िया पर्सनल में बताऊंगा कुछ सब्सक्रिप्शन का बता दो देवेंश गुप्ता अभी तो तुम उसको डाउनलोड करो और उसके ऊपर टेस्ट करो जब सब्सक्रिप्शन की बात आएगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें अभी एक दो तो दिन और लगेगा उसके ऊपर और तब तक उसके ऊपर जो है हम जो पेपर लेंगे उसके ऊपर जो उसको सॉल्व करवाएंगे वो बात चलेगी चलिए आप लोगों के बहुत सारे जो है यहाँ पर सवाल होंगे बहुत सारे जो है तुमने कमेंट भी किए होंगे तो इसके ऊपर जो मैं सारे जवाब नहीं दे पाया हूं लेकिन अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहली चीज पॉजिटिव रहना आप लोगों को सीखना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए चाहे जो भी कंडीशन आएगी पढ़ा लिखा और ज्ञान वाला आदमी कहीं किसी भी कंडीशन पर सही हो ही जाएगा इसमें दिक्कत क्या है किताबी घोड़ा नहीं होना चाहिए किताबी टट्टू नहीं होना चाहिए किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए महान विभूतियां हमेशा महान काम करती हैं हाँ ऐसा मैं भी पढ़ता हूँ भाई महान व्यक्तियों के बारे में और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं जो करता रहता हूँ हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम अच्छा करेंगे हम बेटर करेंगे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना होगा कब कोरोना हो और कब हम मरे कुछ लोग इस टाइम का बहुत यूटिलाइज कर रहे हैं ना कहीं बाहर जाना ना प्रदूषण ना कोई दिक्कत ना कोई लेना देना 24 घंटे बिजली चल रही है आराम से सारा काम तो सही है ये टाइम कट जाएगा फिर से वैसे ही बहारें होंगी फिर से वैसे ही जीवन चलेगा और उस टाइम पर फिर से यह ज्ञान काम आएगा हम लोग किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हमेशा पॉजिटिव रहिए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए कोई डाउट आए तो इसके ऊपर फ़ोन करके बात कर लीजिए और फिर इन सवालों को करके देखिए आ जाए ठीक है नहीं आ जाए इस वीडियो को दोबारा देखना दोबारा टेस्ट करके देखना फिर आ जाए तो ठीक है नहीं तो फिर इस वीडियो को एक बार और देखना और फिर से टेस्ट करके देखना और फिर उस टेस्ट को मैं सॉल्व करवाऊँगा तब तक के लिए मेहनत करते रहिए खुश रहिए पॉजिटिव रहिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच